तो जो सवाल दुनिया भर में हमने इस देश को डॉक्टर मनमोहन सिंह के लीडरशिप में ला के एक इकोनॉमिक लीडर की तरह इसको बना दिया, इसको आज पूरे देश का इकोनॉमी को उन्होंने ध्वस्त कर दिया है। जहाँ कोई भी व्यक्ति आज खड़ा नहीं है, सब मुंह के बल गिरा हुआ है इनके राज। जो इनका सामाजिक ढांचा था ताना बाना, उसका एकदम बर्बाद कर दिया। अभी भी वही 370 राम जन्मभूमि, और ये कितना दिन ये काठ की हांडी चढ़ाते रहेंगे, कितना दिन देश की जनता को भूखा बुड़बक बनाते रहेंगे और बुद्धू बनाते रहेंगे। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि हम अगर कहे थे कि हम किसानों का भला करेंगे, 74,000 करोड़ रुपये हमने माफ़ किया था, अभी 4 राज्यों में सरकार बनी, हमने माफ़ कर दिया। हमने जो कहा है कि गरीबी रेखा हम मिटा देंगे, और जो गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं उनको 72,000 रुपया दे करके हम 6,000 प्रति महीने उनको, उनकी आर्थिक स्थिति हम सुधार देंगे। कहा है कि हम स्वास्थ्य हमारा पूरी तरह से फ्री रहेगा, जो छोटे व्यवसायी और उद्योगपति होंगे 3 बरस कोई उनको पूछेगा नहीं, ना सरकार से आपको बात देगा। इन्होंने क्या कहा? इनका अगर पुराना मैनिफेस्टो देखें, क्या उसमें से 1 इंच भी इन्होंने लागू किया? जो हमारी योजनाएं थे उसका नाम बदल के, प्लेट बदल के आज घोषणा करते थे। सिर्फ ब्रांडिंग किया, ब्रांडिंग किया, सिर्फ ब्रांडिंग कर लिया, मार्केटिंग किया, बार्गेन ब्रांडिंग किया, इवेंट किया, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि बीजेपी देश में फिर से छलने का प्रयास करता है। आडवाणी जी ने इनका असल राष्ट्रवाद का चेहरा बता दिया है कि मोदी का विरोध का मतलब क्या, राष्ट्र विरोधी हो गए हम, और इनका गुणगान जो है वो देशभक्ति हो गया, ये जो बता दिया है, इसलिए इनका राष्ट्रवाद का भी खत्म।